आज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर निशाना दागा। जवाब में अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। आज से 75 साल पहले की हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की हैं। तब गांधी जी की एक आवाज पर अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब उतरा है। इसी आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर जब देश की संसद में भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया जा रहा था, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सोनिया ने कहा, 1942 के आंदोलन में कई संगठनों और लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। सोनिया गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा निशाने पर संघ यानी आरएसएस ही था। सोनिया ने यह भाषण लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिया। क्योंकि हमला आरएसएस पर था, इसलिए सोनिया को जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं की गई। मोर्चा संभाला आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने। मुंबई में 5000 लोगों ने 144 की धारा का उल्लंघन करते हुए सभा की और गिरफ्तारी दी। महाराष्ट्र में चिमूर और आष्टी दो जगहों पर संघ के स्वयंसेवकों ने कांग्रेस के सदस्यों के साथ मिलकर वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च किया। गोलियां चली, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ने तिरंगा झंडा फहराते हुए गोलियां खाई। राकेश सिन्हा ने तथ्यों का हवाला देते हुए 1942 के आंदोलन में संघ की भूमिका बताई। महाराष्ट्र का के अखबारों का मैं नाम लेता हूं जो मराठी में, केसरी, मराठा, काल, ज्ञान प्रकाश, ये मराठी अखबार हैं। इन अखबारों में संघ की भूमिका का विस्तृत से उल्लेख है। यदि वो नहीं पढ़ते तो उनका दोष है। और 42 में संघ की महती भूमिका थी, बड़ी भूमिका थी 42 के आंदोलन में। दिल्ली में भूमिगत हुए आंदोलन नेताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्री लाला हंसराज गुप्ता जी के घर में स्थान दिया गया, वे वहीं भूमिगत रहे। राकेश सिन्हा ने शहीद क्रांतिकारी राजगुरु का जिक्र भी किया और कहा कि उनकी मदद आरएसएस ने की थी। राजगुरु जब नागपुर गए तो उन्हें भूमिगत रहने की पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। अब इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। जिस आरएसएस पर इशारों ही इशारों में सोनिया ने हमला बोला, उसके बारे में भी जान लीजिए। आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। देश में आरएसएस संघ के नाम से मशहूर है। आरएसएस एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी गैर राजनीतिक संगठन है। देश में सरकार चला रही बीजेपी का पैतृक संगठन है आरएसएस। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत है। सोनिया ने लोकसभा में सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी लपेटा। नाम नहीं लिया, लेकिन माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी नेता भी कहां चुप बैठने वाले थे। सोनिया के इटली मूल से लेकर उनके इतिहास ज्ञान तक पर सवाल उठा दिए गए। तो उसको जाकर के इटली में जाकर के देखना चाहिए, वहाँ अच्छा दिखाई देगा। यहाँ तो उसको अंधकार दिखाई दे रहा, वहाँ उजाला दिखाई देगा। ये पीड़ा वही समझेगा जिसने भारत में पैदा लिया और भारत के कनकन से जुड़ा रहा। हमारी स्पीकर महोदया ने कहा, किसी ने अपने गहने तक दान दी उन स्वराज के लिए, उनका भी योगदान उतना ही है। लेकिन जिनका कुछ हता पता ही नहीं था, वो क्या दूसरे को कहे। कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है कि आरएसएस का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। अब यही बात सोनिया गांधी ने लोकसभा में दोहराई तो हंगामा मच गया। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।